हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इंशाल्लाह आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, शुक्र अल्लाह का। मैं भी ठीक हूँ। आज हम कहाँ पर है? आज हम आया द सिटी ऑफ द मौलाना जलालुद्दीन रूमी, कोनिया। कोनिया में है हम। वेलकम टू कोनिया विद मी। नाउ वी आर इन द मैदान। दिस इज कोनिया का मैदान है। यू कैन शो द मैदान। देयर इज, यू कैन सी काफ़ी ज़्यादा हो रही है इधर, बाजार से, रेस्टोरेंट से, और बिल्कुल मेरे पीछे सुल्तान सलीम का मॉस्क है। बिल्कुल उसके सामने मौलाना जलालुद्दीन रूमी का थंब है, म्यूजियम है। अभी हम उसके अंदर चले जाएंगे। आज मैंने आप लोगों का कोनिया के बारे में इंफॉर्मेशन देना है। लेकिन कोनिया इज फेमस विद थ्री थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, तुर्की का सबसे बड़ा शहर है। सेकंड इज, तुर्की का सबसे रिलीजियस सिटी है। दूसरा चीज़ ये है कि कोनिया इज द सिटी ऑफ द फोर सुल्तान्स एंड बादशाह। लेट्स डिस्कवर कोनिया, ईट देयर फेमस फूड एंड सी द एवरी फेमस प्लेस ऑफ कोनिया। लेट्स गो। ये एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ। ये पुराना तुर्कीश है। ये बिल्कुल उर्दू की जैसे राइटिंग था। शायद आप लोग इसको भी पढ़ सकती है। ये आशिक सेमी ने, ही वॉज फॉलोविंग द सूफीज़म एंड ही वॉज इन टू द सूफीज़म म्यूज़िक। दैट्स वाई ही हैड जस्ट वन विश। उसका तुरबा बिल्कुल ये मौलाना का तुरबा है। उसने कहा मेरी मज़ार भी बिल्कुल मौलाना के साथ ही होने चाहिए। इसी ये भी बिल्कुल रास्ता में आती है। अभी तक उन्होंने इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया है और ये भी बिल्कुल मौलाना के तुरबे के साथ है। Let me show you. This one is the turba of Mawlana Jalaluddin Rumi. ये ओटोमन एम्पायर में 15th सेंचुरी का कुरान करीम है। ये भी सारी है कुरान करीम है, बिल्कुल ओटोमन एम्पायर का। ये सेल्जुकलु सल्तनत की जमान पे रटक आया। मैं भी दुआ पढ़ूंगी आप लोगों के लिए भी, सारे मुसलमानों, सारी दुनिया के लिए। अभी मैंने उधर जाकर दुआ पढ़नी है। इंशाल्लाह खुदा सबका दुआ कबूल करे। तशक्कुर ederim। कोनिया मशहूर फॉरेस्ट geçer। Kokusu çok güzel। ये कोनिया का मशहूर हैंड सैनिटाइजर है। इट्स काइंड ऑफ ऑयल। This disinfect. Are you from Pakistan? Yes. Speak Urdu? Haan, Urdu. I'm from Pakistan. Ah, Pakistan se? Quetta se. Quetta se, achha. Aap kaun se jaga se? Nahin, main khud Turkish ho. Lakin, main se Urdu aati hai mujhe. Achha, bohut achha. Meri miya Pakistani hai. Achha. Haan, woh bhi de rahi hai. Achha, bohut achha. Aise aap to Pakistani nahi lagte hai na, isliye maine socha aap kahan se. Turkman log hai, Pakistan ka Turkman log hai. Achha. Majer baitha tha. 13 साल का पाकिस्तान से अफगानिस्तान आ गया था, बल्ख शरीफ में। अच्छा। रूमी का पैदाइश का बल्ख है। हाँ, बेल्ख का सिटी है। बेल्शहर से, बेल्शहर से फिर इधर काम करने के लिए आ गया। कितना साल हो गया कोनिया पे? 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया। कैसा है कोनिया? अच्छा है, बहुत अच्छा है, एक नंबर। अभी हमने इस रेस्टोरेंट में आना है। पहली दफ़ा में भी कोनिया का फेमस फूड्स खाऊंगी। ये तो हमारी बकलावा है। ये लोग भी इधर खाना बना रही है। अंकल को मैं दिखा रही हूँ। इसे ये इटली एक मेक है, लाइक ये गोश्त वाला ब्रेड है। ये कोने का मशहूर ही खाना यही है, लोग यही खाते हैं। मेरे बाजार खुला गया से। अभी हमने ये ट्राई करनी है। ये भी शायद ब्रेड है, मुझे नहीं पता। हमने अभी ऑर्डर किया है। मैंने भी पहली दफ़ा जाकर इनका फेमस फूड ट्राई करूँगी। आप लोग भी मेरे साथ देख ले। आई विश आप लोग भी ट्राई करो। मतलब से अली
यू आर गिविंग द मनी एम आई राइट आपने देना है please. हमने एक पेनी हमने नहीं देना है ठीक है मैं भी अभी पहली दफ़ा ट्राई करूँगी ये गार्लिक के साथ वो लोग खाती है और इधर गोश्त है बहुत मज़े का है अभी हमारी इटली एक में आया है नीली बू बचारस वो आशा कीमा कारशिर ये कीमा चीज ये फुल कीमा वाला है एन चीज एन मीट मीट टोमेटो पेपर ओके बीफ टोमेटो पेपर ओके टर्किश मीट पिज्जा एन चीज पिज्जा मीट पिज्जा मिक्स दिस इज फेमस इन कोनिया दिस इज बीफ दिस इज लैम दिस इज बीफ चीज मिक्स mix spice konya kebab flash okay how they are eating the etli ekmek first of all lemon kebab green chili pirisco roll karke khana hai acha abhi खाना की बात हमने इनका फेमस डी स्वीट डिश खाना है व्हाट इज दिस यू डोंट नो ही इज फ्रॉम कोनिया व्हाट इज नो आई डोंट नो इंग्लिश नेम इसका इंग्लिश नेम नहीं आता है हाउ दे आर मेकिंग दिस डू यू नो दैट ये इनका फेमस स्वीट डिश है इसकी अंदर सच अरस है ठीक है ये पत्ती और मलाई से बनती है उन्होंने इसके ऊपर आइसक्रीम के साथ सर्व करती है इसके अंदर नट्स भी है आइसक्रीम के साथ खाना है इट्स सो हैवी लाइक बिल्कुल बकलावा की जैसे बट काफ़ी हैवी है क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मलाई है अभी हम हमारी सेकंड स्टॉप अलादीन हिल में है ये कोनिया की सेंट्रल एरिया में है और कोनिया के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जगह है मैं आपको इस हिल दिखाने से पहले इसका छोटी सी हिस्टोरी की बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ ये कोनिया इज़ द सबसे ह्यूज एंड बिग लैंड इन टर्की बहुत बड़ा है इवन कोनिया इज़ द मोस्ट बिगेस्ट सिटी मोर देन 68 कंट्री इन द वर्ल्ड कोनिया काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट जगह है इधर आपको बिल्कुल भी ऊंचे ऊंचे एरियाज नहीं मिलेगा सेल्जूक सुल्तानात का बादशाह अलादीन ने उसी टाइम पे ये काफ़ी ज़्यादा पुराना की हिस्ट्री है ये कोनिया ऑलवेज सारी सुल्तान का सारी बादशाह का कैपिटल सिटी हो गया है एंड सुल्तान अलादीन ने एक ही महल बनाकर लेकिन ऊंचे जगह में महल बनाना चाहता था कि सारी जगह वो चीज़ ऊपर से देखना चाहता था सारी चीज़ें वो सुल्तान अलादीन ने उसका सारी लोगों को कहती है कि एटलीस्ट मुझे एक बास्केट सैंड ले आए फिर वो इधर महल बनाना चाहता था फिर उसका लोगों का सारी भी कितना लोग था एक बास्केट दो बास्केट तीन बास्केट उन्होंने बस इस एरिया में यही सैंड इधर ले आए हैं और स्टार्टिंग से ऊपर तक 20 मीटर उन्होंने हिल बनाया है सुल्तान अलादीन इसने क्यों किया है वो लोगों को दिखाना चाहता था कि हम किसे एक यूनिटी हो सकते हैं अगर हम साथ साथ आ सकते हैं यही चीज़ें हम खुद कर सकते हैं वो सारी दुनिया का यही दिखाना चाहता था ये आ जाए ये मेरी हमारी टूर गाइड कोनिया के लिए Hi again, everyone. आज हम आपका पैसे से खाना खाएंगे ठीक है समझ नहीं आया आई सेड दैट वी विल ईट फूड विद योर मनी Yeah, sure, of course. वो दो दिन से उसको तंग आया हमसे अली ये क्या है अली ये क्या है एक्चुअली अली वो कोनिया में बोर्न हो गई और ये तो इधर ही रहती है इसलिए सारी हिस्टोरिकल चीज़ उसको पता है तो सब कुछ तो अली हमको एक्सप्लेन करता है और अभी चले सेकेंडली कोनिया इज द मोस्ट हिस्टोरिकल प्लेस इन द टर्की अभी अलादीन मस्जिद के बिल्कुल पीछे से हम आया है इधर आपका सेल्जूक सल्तनत का कितना सेल्जूक सल्तनत का सुल्तान था उसका मेज़र लाइक थुरबान कब्र इसके अंदर है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट ही भी किया हुआ है बिल्कुल इसके पीछे है मैं आपको एक और चीज़ भी दिखाना चाहती हूँ इधर
सेल्चुक सल्तनत के फ्लैग के साथ बिल्कुल तुर्की वाला फ्लैग भी है. कैन यू एक्सप्लेन अस? एक्चुअली इन हियर इज द 8 सेल्चुक सुल्तान इज राइट नाउ इज हियर इज तुर्बे इज राइट नाउ इज हियर इज द बिगेस्ट वन इज अलाउद्दीन केकुबाद एंड द अदर वन इज his father's I don't know name right now I'm sorry okay and the people are coming here for praying actually you can see the here is qibla and the other side is also masjid and sometimes the juma or like that too much people when come to the mosque they are praying also in here yeah but they too much people is coming to here just visit their ancestor yeah एक्चुअली सारे लोग इधर आता है इनका तुरबा देखने के लिए इनका कबीर देखने के लिए स्पेशली इधर नीचे भी लिखा है कबला इधर ही है और अगर जुमा नमाज हो बिल्कुल लोग इधर भी आकर जुमा नमाज भी पढ़ती है हमने तुरबे देखने के लिए आया वी फाइंड अब्दुल ही सो नाइस हाय He loved me, I think so. Let's go. We have इनका local bazaar में आया है. मैंने local bazaar भी दिखा देती हूँ. कोने में आपको सबसे सबसे ज़्यादा shoes मिलेगा क्योंकि इधर shoes का produce बहुत ज़्यादा होती है. Even कोने से पूरा दुनिया में shoes भी import export होती है. ये चलेंगे तो first चीज़ तो आपको इधर shoes मिलेगा. अच्छा वाला मिलेगा. एंड सस्ता भी मिलेगा शूज हो स्लीपर्स हो बिल्कुल इस बाजार की ये सामने एक मस्जिद है ये कप मस्जिद है कप भी इन तुर्किश लैंग्वेज दौर है दौर मस्जिद है ये लोग इसको कप मस्जिद क्यों कहती है क्योंकि ये लोगों को ऐसे बिलीव्स है कि फॉर एवरी नमाज लाइक सुबह नमाज हमारी 5 वक्त नमाज में हज़र अलैहिस्सलाम इधर ही आकर सारी नमाज इधर पढ़ती है सारी 5 वक्त नमाज हज़र अलैहिस्सलाम इधर नमाज पढ़ती है इसलिए नमाज की टाइम पे ये सारी जगह फुल होती है लोग इधर नमाज पढ़ती है ये भी इनका सर्राफ चाशीसी का क्या होती है इधर गोल्ड गोल्डन रिंग्स ज्वेलरी सब कुछ बट असली गोल्ड सेल होती है ये उसका बाजार है मोस्टली तो शादी की टाइम पे लोग आती है लड़की की मेहर के लिए और लड़की की अबू मोस्टली शादी में गोल्ड मांगती है लड़के की तरफ से ये लोग इधर आकर इसका बाजार कर देती है बहुत बड़ा बाजार है अभी हम भी अंदर चले जाएंगे देखेंगे क्योंकि मैंने भी कुछ गिफ्ट लेना है मेरी फैमिली के लिए आप लोग मुझसे कहते हैं ना तुर्की मुस्लिम कंट्री है लेकिन आप लोग बहुत ज़्यादा यूरोप का कल्चर एडॉप्ट किया है आप लोग क्या ड्रामा देखती है और इस्तांबुल में आकर मोस्टली सारे लोग तुर्की का जज करती है तुर्की से मुस्लिम नहीं है बस यूरोप का उन्होंने फॉलो किया है बट इफ यू वॉन्ट टू सी रियल तुर्किश कल्चर And if you want to see the real Turkish family, आप लोगों का कोनिया में आकर एक दफ़ा इधर विजिट करना ज़रूरी है क्योंकि इधर बिल्कुल लोग बहुत ज़्यादा religious हैं कोनिया is the most religious city in the Turkey. ऐसे इधर बहुत बड़ा मैदान है इस मैदान में बस लोग इधर आकर शॉपिंग कर देती हैं ये मैदान का जहेज का मैदान है तुर्किश कल्चर में जहेज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है थावल हो स्कार्फ हो सॉक्स हो और ये सब कुछ ये लोग जहेज के लिए इधर आती है एक्चुअली मैंने स्कार्फ लेना है तो मैं उसके लिए थोड़ा सा डिस्काउंट भी करूँगी कोनिया इज़ द प्लेस वेयर द हिजाब वाला लोग कैन फाइंड बहुत ज़्यादा वैरायटी एंड प्रोडक्ट्स ये भी एक मैदान है इस मैदान में क्या होती है कोनिया काफ़ी ज़्यादा गर्मी है सारी मोस्टली ओल्ड एजेस लोग इधर आती है चाय पीती है बात करती है गपशप करती है गेम खेलती है इधर एक कहवान होती है कहवाने में लोग इधर आकर
उनको चाय पी के सारी गेम खेल सकती हैं। ये बहुत बड़ा मैदान है, बिल्कुल इधर मैदान, ये सारी भी बाजार का एरिया आपको मिलेगा। नाउ लेट्स गो। फाइनली अवर ट्रिप फिनिश्ड हियर। आई रियली वांट टू से माय थैंक्स टू अली। Thank you so much, Ali. Come here in the camp. Thank you so much to. Thank to you and thank for your travel agency. You guys did very best 3 days vacation for us. Yeah. Thank you for. Thank you. Then, khuda hafiz. Allah hafiz. Khuda hafiz.